नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्सिमम एजुकेशन मैक्सिमम नॉलेज चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में कुछ जरूरी सूचना की। कब आएगी, क्यों नहीं आई है, कब तक आने की संभावना है। दोस्तों आज दैनिक भास्कर में उन्होंने एक अपनी उनकी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कुछ बताया है। मैं आपको वीडियो में वही दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कब तक आने की संभावना है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और उससे पहले 2 मिनट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम और मेहनत करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पुलिस भर्ती खाली पदों के लिए तैयारी इधर प्रदेश के बेरोजगार युवा बोले 2017 से नहीं निकली है, इसलिए अब सब इंस्पेक्टर के 1500 और आरक्षक के 1500 पद की जाए भर्ती। अपनी मांग को लेकर 14 को भोपाल में लामबाद होंगे प्रदेश भर के बेरोजगार युवा, कलेक्टर तक निकलेगी रैली। 14 तारीख को भोपाल में प्रोटेस्ट भी रखा गया है, ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो अब 14 तारीख को प्रोटेस्ट भी रखा गया है सभी छात्र छात्राओं द्वारा। और प्रदेश सरकार ने 2017 के बाद पुलिस भर्ती नहीं की है। भर्ती के लिए अब पुलिस मुख्यालय तैयार कर रहा है, नेम और गाइडलाइन तैयार कर शासन को भेज दिए गए हैं। अब शासन को निर्णय लेना है। वहाँ भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने के लिए कैबिनेट द्वारा गठित 5 मंत्रियों की कमेटी को निर्णय लेने की परीक्षा पीएचक्यू द्वारा दी जाए या फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए, या पीईबी कराए या पीएचक्यू को इसकी भर्ती की जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा उनका कहना है। 1500 सब इंस्पेक्टर और 15,000 आरक्षक की भर्ती निकाली जाए, ये आए दिन ही है न्यूज़पेपर में आता रहता है, लेकिन सरकार इस पर कोई गौर नहीं कर रही है। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, ना वैकेंसी का कोई पता है। अभी 3 साल होने वाले हैं, 3 साल हो गए हैं, होने वाले नहीं है। इसके बाद भी सरकार को कोई मतलब नहीं है। लोग तैयारी कर कर परेशान हो गए हैं, लोग अपने घर जाने लगे कई लोग। तो ये था आज का जो उन्होंने अपनी राय रखी, सभी लोगों की राय रखी इस न्यूज़ के माध्यम से। आयु सीमा 35 कराने की मांग की बारे में कुछ जानकारी दी गई है, आप पढ़ लेना है। वचन निभाए सरकार, उनको वचन पत्र में दिया गया था, ये वचन पत्र में दिया था कि बेरोजगार के लिए रोजगार लाएंगे, कोई मतलब नहीं उनको उसके लिए भी, उन्होंने वचन नहीं निभाया। जिसके बाद भर्ती परीक्षा में करीब 15 लाख युवा बैठने की संभावना है। इतने बेरोजगार हो गए हैं कि संख्या बढ़ती जा रही है। और सरकार कहती है, अब आपको ये और बता दूं क्यों नहीं आ रही है भर्ती। सरकार के पास खजाना खाली है इसलिए भर्ती नहीं दे रहे हैं ये लोग। अगर अभी भर्ती आ जाए तो इतनी वैकेंसी निकलेगी, उसके लिए सभी को सैलरी प्रोवाइड कराना, खर्चा उसका, पेपर जो भी उसके लिए कंटेंट लगेगा उसका, सभी का खर्चा उठाना सरकार के पास, इतना वो नहीं है इसलिए नहीं। 14 तारीख को ये बेरोजगार एमपी नगर से प्रोटेस्ट चालू होगा, जो कलेक्टर हाउस तक जाएगा। और जिनको भी पुलिस की भर्ती है, किसी भी बेरोजगार युवा को शामिल होना है तो 14 तारीख को एमपी नगर में जा सकता है, ये सब न्यूज़पेपर में लिखा है। और पीईबी द्वारा ही कराया जाए भर्ती, उम्मीदवारों का कहना है। ये कुछ दैनिक भास्कर ने ऐसा सब कुछ लिखा है, आप पढ़ लेना जो भी है। तो ये था दोस्तों वीडियो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जैसे भी आपको हमें अपडेट अपडेट मिलता है कब आएगी, क्यों आएगी, कल जो प्रोटेस्ट के बाद जो जैसा भी बताएंगे लोग, मैं आपको फिर एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कब तक आ जाएगी। वैसे लग तो रहा है कि अभी मार्च या अप्रैल के मंथ में आ जाएगी भर्ती, ऐसा सुनने में आया था। तो आप यही उम्मीद करते हैं, आप अपनी तैयारी में लगे रहें, बिल्कुल भी भर्ती कभी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। वैसे कल निर्णय हो जाएगा क्योंकि सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं 14 को, तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो बस इतना ही था दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।